नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस चैनल। दिस इज करण। आज लेके हैं आपके लिए हम संगमित्रा अपार्टमेंट सेक्टर 4 में थर्ड फ्लोर का फ्लैट होने वाला है। न्यूली फर्निश काम किया फ्लैट है, 3 बेडरूम का फ्लैट है। बहुत ज़्यादा मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी 3 बेडरूम के फ्लैट्स के, तो अभी कुछ मार्केट में नए फ्लैट्स आ रहे हैं, उनके लिए आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे क्या क्या ऑप्शन अभी मार्केट में आ रहे हैं और इन फ्यूचर में क्या आने वाला है, उसके लिए भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो आज लेके हैं संगमित्रा अपार्टमेंट में 3 बेडरूम का फ्लैट। चलिए यही गो थ्रू करते हैं। बहुत अच्छी डिमांड पर फ्लैट आया हुआ है संगमित्रा अपार्टमेंट सेक्टर 4। दोस्तों ये हो जाता है इसका लॉबी स्पेस, जहाँ पे 2 लिफ्ट केस मिलते हैं आपको। उस तरफ अलग ब्लॉक चला जाता है, इस तरफ अलग ब्लॉक चला जाता है, इस तरीके से कुछ आ जाता है। इधर आपको 3 फ्लैट मिलते हैं, उधर आपको 3 फ्लैट मिलते हैं, कुछ इस तरीके का आपको रहने वाला है। आज जिस फ्लैट का हम आए उसका आपको कुछ इस तरीके से पैसेज मिलता है। ये आपको पैसेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको बुद्धा जी की काफ़ी अच्छा स्टैचू मिलने वाला है। दैट्स योर पूरा का पूरा टाइलिंग का काम किया गया है। इधर आपको लाइटिंग का काम मिल जाएगा, देख सकते हैं बहुत सारा टाइलिंग का काम, बहुत अच्छा खूबसूरत आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आप आएंगे एंट्री पर, तो उसके में देखेंगे आप, ये आपका डोर एंट्रेंस है, कितना खूबसूरत काम किया गया, बहुत खूबसूरत काम किया गया, बहुत अच्छा और एक एलिगेंट डिज़ाइन है यहाँ पर आपके गेट पे। अब आप डायरेक्टली एंटर करेंगे अपना लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस में, जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ लेआउट की, तो 1, 2, 3 बेडरूम कॉमन वॉशरूम और इधर आपका किचन, ये आ जाता है लिविंग डाइनिंग, एक आता है बालकनी इस तरफ। तो इस तरीके से कुछ लेआउट मिल जाता है। ये आपका मिलता है अपना लिविंग स्पेस, जिसमें आपको टाइलिंग का काम कुछ इस तरीके से मिल जाता है। टाइलिंग का कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। ऑन वॉल्स देखेंगे आप तो बहुत अच्छा आपको डिज़ाइन मिलने वाला है, जिसमें आपको देखेंगे बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट कर रखा है। लाइटिंग का बहुत अच्छा काम किया गया, टेक्सचर का काम है थोड़ा बहुत। इधर देखेंगे बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक पेंटिंग लगाया गया, साथ साथ ऊपर देखेंगे बहुत अच्छा आपको मिलता है फॉल सीलिंग का काम कुछ इस तरीके से। शाइनलिंग वगैरह का सारा का काम इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये हो जाता है आपका लिविंग स्पेस। यहाँ पर आपका डाइनिंग स्पेस आता है, उससे पहले आप देखेंगे इस बालकनी स्पेस को। यहाँ पर मिलता है आपको अपना बालकनी स्पेस, कुछ इस तरीके से आपको बालकनी स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं। या आपको कुछ सोसाइटी का पार्क्स वगैरह है, इस तरीके से आपको सोसाइटी मिलती है। सोसाइटी बहुत साफ़ सुथरी सोसाइटी और बहुत अच्छी लोकेशन की सोसाइटी आपको मिलती है। यहाँ पर आप बना सकते हैं अपना डाइनिंग स्पेस कुछ इस तरीके से। अब आते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये आता है आपका कॉमन वॉशरूम एरिया, कुछ इस तरीके से आपको वॉशरूम मिल जाता है। कलर कंट्रास्ट देखेंगे बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर कंट्रास्ट में फिनिश किया गया है पूरा। ऊपर देखेंगे वेंटिलेशन का काम मिल जाता है, इधर आपको WVC और ऑल द थिंग्स जो भी नेसेसरी चीज होता है वो आपको यहाँ पे इस वॉशरूम में मिल जाता है। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। अब आते हैं अपने किचन की तरफ। किचन स्पेस आपको किस तरीके से मिलने वाला है, इसमें आप देखेंगे इधर आपको मिलता है आपका सिंक स्पेस। यहाँ पर आपको प्रॉपर मॉडुलर किचन मिलने वाला है, जिसमें आपको हिंडवे कंपनी का चिमनी मिलता है, होब मिल जाता है आपको, प्रॉपरली मॉड्यूलर किचन होने वाला है कुछ इस तरीके से काम मिल जाता है। सॉफ्ट क्लोज मिल जाता है, ऊपर आपको व्हाइट कलर कंट्रास्ट में स्टोरेज और टाइलिंग का काम मिल जाता है आपको 4-5 फुट के आसपास तक। इधर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, इधर भी आपको देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपको काम इसमें मिलने वाला है। किचन साइज बहुत अच्छा है और ऑल्दो अच्छे से काम इसमें आपको कराया हुआ मिलता है। अब आते हैं अपने बेडरूम की तरफ। ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया, ऑलमोस्ट 11x12 के आसपास का रूम साइज है। इधर आपको वार्डरोब स्पेस मिलता है, जो कि आपका सेपरेट है, नॉट इन योर बेडरूम साइज। इधर देख सकते हैं इस तरीके का कुछ काम है, सेपरेशंस डेप्थ वगैरह आपको कुछ इस तरीके से इसमें आपको मिलने वाली है। तो ये हो जाता है इसमें आपका फर्स्ट बेडरूम, जहाँ पे आपको वेंटिलेशन इधर मिल जाता है, इधर आपको मिलता है टाइलिंग का काम, ऊपर मिलता है आपको फॉल सीलिंग का काम, और ये मिल जाती है आपको एक बालकनी, जो कि आपकी दोनों बेडरूम से कनेक्ट मिलने वाली है आपको कुछ इस तरीके से। इस रूम से भी कनेक्टेड और इस रूम से भी आपको कनेक्टेड मिलती है।
ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम एरिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, 11x12 के आसपास का रूम साइज है। वेंटिलेशन इधर मिलता है आपको, इधर मिलता है आपको अपना कबर्ड स्पेस, कुछ इस तरीके का आपको कबर्ड स्पेस मिलने वाला है। देख सकते हैं ये सारा का सारा कबर्ड स्पेस आपको इस तरीके का मिल जाता है। बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट है और बहुत अच्छा इसमें काम आपको मिलने वाला है। नीचे आपको मिलता है बहुत अच्छा टाइलिंग का काम, ऊपर मिलते हैं आपको बढ़िया फॉल सीलिंग का काम, फैन वगैरह मिलते हैं, एसी की फिटिंग सारी मिल जाती है आपको। अब आते हैं अपने लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि आपका मिलता है ये मिलता है आपको लास्ट बेडरूम एरिया, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। ये कुछ इस तरीके का कुछ काम है, देख सकते हैं इधर वेंटिलेशन मिल जाता है आपको, इधर वार्डरोब स्पेस का काम मिल जाता है, बेडरूम साइज़ अच्छा है, ऊपर आपको मिलता है बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का काम, और यहाँ मिलता है इसमें आपको अटैच वॉशरूम, जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। देख सकते हैं सारा का सारा इस तरीके का काम है, इधर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, इधर आपको WBC, इधर आपको स्टोरेज मिरर, ऑल द थिंग्स आपको मिल जाता है, और बहुत अच्छे से इसमें आपको काम किया हुआ पूरे फ्लैट पे मिलता है। न्यूली फर्निश्ड फ्लैट है, बहुत अच्छी लोकेशन का फ्लैट है। अगर मैं इसका आपको रेट बताता हूँ तो इसका जो आस्किंग डिमांड है वो है 198 का, 1,98,00,000 रुपये का डिमांड है, जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए, पसंद कीजिए और ले जाइए डील, बहुत अच्छी डील इस मार्केट में अभी आई हुई है। और इसी तरीके के फ्लैट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर दिस वीडियो जो भी द्वारका में फ्लैट देख रहा है, और कुछ और भी फ्लैट्स आने वाले हैं मार्केट में, उनके लिए आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हुए हैं तो इसलिए हम उनका शूट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही रेडी होंगे तब तक हम आपको शूट करके दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।